हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट महक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उप्स कॉन्सेप्ट में द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर्स एंड द क्लासेस। स्ट्रक्चर्स में और क्लासेस में क्या डिफरेंस होता है वो आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस फीचर्स के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर और क्लासेस में डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस जो आता है वो आता है डेफिनेशन में। ऑब्वियस है कि स्ट्रक्चर एक अलग चीज़ है, क्लासेस एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो दोनों के कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन का फर्क तो हो गई, क्योंकि डेफिनेशन का मतलब क्या होता है उसके बारे में बताना, ये क्या चीज़ है उसकी परिभाषा देना, राइट। अगर परिभाषा अलग है तो उसके अंदर फीचर्स तो अलग होंगे ही। फर्स्ट जो आता है स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है, अ स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ वेरियस डेटा टाइप रेफरेंस बाय द सेम नेम। स्ट्रक्चर में हम क्या कर सकते हैं, जिन डेटास का डेटा टाइप अलग होता है उसको यूज करके हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके अंदर अलग अलग डेटा टाइप के डेटाज होते हैं या कहीं वेरिएबल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं ऑफ द वेरियस डेटा टाइप दैट रेफरेंस द सेम वैल्यूज, सेम नेम, जिसको हम सेम नाम से रेफरेंस कर सकते हैं जो भी स्ट्रक्चर का नाम होगा, राइट। यही तो होते हैं ना, अगर हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे स्ट्रक्ट नाम से स्ट्रक्चर बना दिया, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्ट वन नाम से हमने स्ट्रक्चर बनाया, इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो सब सेम डेटा टाइप का तो नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में क्या होता है अलग अलग डेटा टाइप के डेटा को वेरिएबल्स को हम इंक्लूड करते हैं। अब सब अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यूज हैं, उन सबको सिर्फ एक नाम से कॉल कर सकते हैं विच इज स्ट्रक्ट वन। अगर हम यही देखें क्लास की डेफिनेशन, क्लास में क्या है, क्लास क्या है, कलेक्शन है रिलेटेड वेरिएबल एंड फंक्शंस का दैट कंटेन विद इन अ सिंगल स्ट्रक्चर। रिलेटेड उसमें क्या था, जिसका सिर्फ डेटा टाइप सेम था उनको हमने एक स्ट्रक्चर में रखा, लेकिन हम क्लास में क्या करते हैं, जो डेटा आपस में रिलेट करता है उनको एक क्लास में रखा जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस कौन सा आता है, बेसिक डिफरेंस आता है, इफ नो स्पेसिफायर स्पेसिफाइड इफ ऑल द मेंबर्स आर द प्राइवेट। अगर हम स्ट्रक्चर में कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं बताएंगे कि हम प्राइवेटली इनहेरिट कर रहे हैं या प्राइवेटली एक्सेस कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड में एक्सेस कर रहे हैं या पब्लिक एक्सेस कर रहे हैं, देन बाय डिफॉल्ट जो रहेगा वो पब्लिक रहेगा। स्ट्रक्चर की बात ऐसे हम क्लास की बात करें तो इफ नो एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफाइड, अगर कोई एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफाई नहीं किया गया है देन बाय डिफॉल्ट रहेगा प्राइवेट। स्ट्रक्चर में बाय डिफॉल्ट क्या स्ट्रक्चरिंग होती है, पब्लिकली एक्सेस होता है, और क्लास में हमेशा प्राइवेट एक्सेस होता है बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट जो थर्ड आता है डिफरेंस वो आता है डिक्लेरेशन करने में, कैसे हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं और कैसे हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्ट नाम से एक कीवर्ड लगाते हैं, दिस इज कीवर्ड स्ट्रक्ट, देन स्ट्रक्चर का नेम देते हैं, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट होती है, देन यहाँ पर हम डेटा टाइप लिखते हैं, स्ट्रक्चर मेंबर वन होगा, मीन्स कोई भी मेंबर, जैसे नेम हमने यूज करना है, देन नेम क्या है, किस टाइप का है नेम, स्ट्रिंग टाइप का या करेक्टर टाइप का, देन यहाँ पर लिखेंगे करेक्टर नेम। नेक्स्ट कौन सा डेटा टाइप की वैल्यू लेनी है, कौन सा मेंबर होगा, सपोज रोल नंबर है तो रोल नंबर क्या लिखेंगे, इंट, इंट रोल नंबर और करेक्टर नेम, ये क्या बनते जाएंगे, मेंबर बनते जाएंगे स्ट्रक्चर के। ऐसे ही एन नंबर ऑफ स्ट्रक्चर के मेंबर्स होंगे, यहाँ पर क्लोज हो जाएगा स्ट्रक्चर, एंड क्लोज करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का प्लस साथ में उसके एक सेमी कॉलन का यूज करते हैं। ये होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का। देन अब जो डिक्लेरेशन पार्ट क्लास की है, क्लास में हम क्या करते हैं, क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, क्लास इज ऑल्सो अ कीवर्ड, देन हम कुछ ना कुछ क्लास का नेम देंगे, नेम देने के बाद यहाँ से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, इसके कुछ डेटा मेंबर्स होंगे, जरूरी नहीं है एक हो, मैनी डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, एंड कुछ मेंबर फंक्शंस होंगे, देन यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के साथ एंड सेमी कॉलन के साथ क्लास जो है क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस का मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर में इंस्टेंसेस कौन से आते हैं और क्लास में कौन से होते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर इंस्टेंसेस कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स होते हैं, एंड क्लास में कौन से स्ट्रक्चर इंस्टेंसेस होते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक। नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है फीचर में वो आता है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस में क्या है, स्ट्रक्चर जो है इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करता, बट क्लासेस जो है वो इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती हैं। इनका नेचर क्या होता है, इनका नेचर होता है वैल्यू टाइप, कि स्ट्रक्चर में हमेशा सिर्फ डेटा होता है उसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं ओनली, लेकिन जब हम क्लासेस की बात करते हैं तो क्लासेस के टाइम पे हम रेफरेंस को पास करते हैं, मीन्स एड्रेस पास करते हैं, जो भी मैनिपुलेशन होगा उसके एड्रेस पर या उस पर्टिकुलर वैल्यू पर, देन वो रियल में चेंज होगा ओरिजिनल वैल्यू में। फिर आता है पर्पस। स्ट्रक्चर करने का पर्पस क्या होता है, ओनली डेटा को ग्रुप करना, कि जो भी डेटा है अलग अलग टाइप का उनको ग्रुप कर दिया, लेकिन क्लास बनाने का पर्पस क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन करना एंड फर्दर इनहेरिटेंस करना, मतलब डेटा को एब्स्ट्रैक्ट कर देना, जितना डेटा है उतना ही शो करना, बाकी डेटा को हाइड कर देना और उसको एनक्रिप्ट कर देना,
एनक्रिप्ट मीन्स फाउंडेशन लगा देना कि कोई उसको पब्लिक इनहेरिट कर सकता है, प्राइवेट में इनहेरिट कर सकता है या प्रोटेक्टेड में। देन एब्स्ट्रैक्शन के बाद उसको क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। फिर आते हैं मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन जो होती है स्टैक में, वो कौन एलोकेट करी जाती है, किसको एलोकेट करी जाती है मेमोरी लोकेशन? स्ट्रक्चर में स्टैक के अंदर मेमोरी एलोकेट की जाती है और क्लासेस में हीप में मेमोरी होती है। स्टैक तो ये है कि अगर स्टैक फुल हो गया तो हमें उसको रिलीव करना पड़ेगा, उसको रिलीज करना पड़ेगा। देन हीप में क्या होता है, अनकाउंटेबल डेटा होता है, मतलब बहुत सारा स्टोरेज होता है, यहाँ पर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जितना चाहे उतना डेटा स्टोर हो सकता है। देन यूजेस, स्ट्रक्चर का यूज़ क्या है, इट इज़ यूज फॉर द स्मॉलर अमाउंट ऑफ डेटा। स्ट्रक्चर को तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास लिमिटेड डेटा हो, थोड़ा सा डेटा हो। लेकिन क्लासेस को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा तभी तो हमने हीप का यूज़ किया इसको स्टोर करने के लिए। यहाँ पर स्मॉल अमाउंट का डेटा था इसलिए यहाँ पर हमने स्टैक का यूज़ किया इसको स्टोर करने के लिए, यानी पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। नल वैल्यूज, इसके अंदर कोई भी नल वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि हम नल वैल्यू दे दें। जीरो वैल्यू पॉसिबल है बट नल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्लासेस में तो ये भी पॉसिबल है कि नल वैल्यू हम दे सकते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है, रिक्वायर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ये तो आपको पता ही होगा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब कभी भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना होता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट जिसमें कंस्ट्रक्टर अभी डिफाइंडेड है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। देन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, डिस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ऑब्जेक्ट को। देन यहाँ पर क्या कह रहा है, इट मे हैव ओनली द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। स्ट्रक्चर के पास सिर्फ एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन क्लासेस के पास डिफरेंट टाइप के या कहीं ओल्ड टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं और डिस्ट्रक्टर होता है। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का टॉपिक, द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेस। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।